स्टूडेंट, आज मैंने आप लोगों के लिए ये टॉपिक, ये क्वेश्चन लेकर आया है जो कि 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 14, 16 और 18। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें प्रूव करना है टेन इनवर्स एम बाई एन माइनस टेन इनवर्स एम माइनस एन अपन एम प्लस एन इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हम कोई भी एक साइड लेके दूसरी साइड में जो भी वैल्यू है उसके इक्वल दिखाते हैं। तो पाई बाई 4 को कंसीडर करके ये प्रूव करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ई एल एच एस कंसीडर करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड फार्मूला जैसे टेन इनवर्स एम प्लस एम बाई एन है और टेन इनवर्स एम माइनस एन बाई एन है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो जैसे जब हम प्रोसीड करेंगे तो ई एल एच एस लेंगे, ई एल एच एस इक्वल टू क्या है हमारा, हाँ ई एल एच एस इज इक्वल टू है टेन इनवर्स एम बाई एन माइनस टेन इनवर्स एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन। और हमको प्रूव क्या करना है आर एच एस में पाई बाई 4, ये ध्यान में रखना है। जो हमको दिया गया है इसका कुछ फार्मूला होता होगा, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लेते हैं। ये है जो पूरा एक्स अगर आप कंसीडर करते हैं, ये जो ब्रैकेट में पूरा एज ए कैपिटल वाई, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ सिर्फ माइनस वाला केस है तो माइनस वाला ही जानते हैं हम लोग, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है आपको पता होगा। सिंपल इसी फार्मूले का यूज करना है और इस पर पुट कर देना है, आपका आंसर आ गया। ये आपके 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो आगे प्रोसीड करेंगे इसी फार्मूलों को अप्लाई करते हुए इसमें, तो क्या मिलेगा हमको, देखिए एक्स के स्थान पर एम बाई एन है, वाई के स्थान पर एम माइनस एन अपान एम प्लस एन है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई मीन्स एम अपॉन एन माइनस वाई मीन्स एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन, फिर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई मतलब एम बाई एन एक्स इंटू वाई एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है ध्यान से। तो आप देखेंगे क्या मिलेगा हमको, ये आएगा टेन इनवर्स मल्टीप्लाई एम स्क्वायर प्लस एन एम माइनस एन एम और माइनस माइनस का प्लस एन इंटू एन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कौन समझ में आया। अब नीचे आप ध्यान दीजिए क्या मिलेगा आपको, एन एम प्लस एन, ठीक है। अब इसके बाद इसके डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में आपका आएगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये एन एम प्लस एन का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे एन एम प्लस एन प्लस एम इंटू एम माइनस वन जब होगा एम स्क्वायर माइनस एम एन डिवाइडेड बाई एन एम प्लस एन। तो आप देखेंगे डिवीजन में ये दोनों क्या होता है, जैसे पी बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई एस होता है, एस का गुणा पी में आर का गुणा क्यू में होता है, बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग बताएंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे भी आप कमेंट के जरिए क्वेश्चन आप अपना भेज सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना के डालें। तो यहाँ हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अब सीधा सिंप्लीफाई करना है, जैसे फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होता है, ये एन एम से ये एन एम कैंसिल आउट हो गया, अभी इधर जो बचा है वो आप लिखिए टेन इनवर्स एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये रूल आप लगाइए, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाइड बाई 4, सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये आप देखेंगे इतना डिवाइडेड बाई इतना है, और ये हमारा आर और बाई एस का काम कर रहा है, तो एन 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 प्लस वन जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई एन एम प्लस एन
और उसके साथ भी एन एम मल्टीप्लाई करा के देते हैं, एन एम प्लस एन स्क्वायर, और ये हमारा जो था प्लस के साथ एम स्क्वायर माइनस एम एम। अब देखिए प्लस एम एन माइनस एम एन कैंसिल आउट हो गए, ये पूरी क्वांटिटी एज इट इज है ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, टैन इनवर्स एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मीन्स ये कैंसिल आउट होके वन, दिस मीन्स टैन इनवर्स वन। और आप जानते हैं वन टैन 45 की वैल्यू होती है, टैन 45 डिग्री, दिस इंप्लाइज टैन इनवर्स टैन 5/4। और आपने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाली है, टैन से टैन कैंसिल आउट हो जाएगा और एंगल की वैल्यू क्या आएगी 5/4। यही था हमारा आर्चर जिसको प्रूव करना। तो आपने देखा कि इतना सिंपल वे है, सिर्फ आपको फार्मूला याद हो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़े मोड़े कैलकुलेशन याद। इनवर्स टेक्नोमेट्री या फिर टेक्नोमेट्री में पूरा खेल फार्मूले का होता है, आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। तो कोई इसमें डाउट होगा तो आप बताइएगा, और जल्द ही नए क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल।